आप मानते हैं ना? देखिए, इस इशू को किसी ने नहीं उठाया, वही तो मैंने कहा किसी के सीना में दम नहीं है कि इस बात को उठाने का। एवं स्वर्ण लोगों को भी मैं कहता हूँ, ये जीतन मांझी चूँकि गरीब की बात किया है, इसीलिए उसमें दम था कि वो 2017 में तालकटोरा स्टेडियम में बात उठाया था और आज तक उसको कैरी आउट कर रहा है और अब धीरे धीरे लोग उस बात पर, इसलिए वो जो तीनों राज्य में ये मुद्दा नहीं था। जब मैंने हारने का एक था ना कि वोट नहीं दिया, हारने का दूसरा कारण वहाँ है भाई नरेंद्र मोदी जी की नीति सरकार है, सिर्फ बोलने में विश्वास किया, करने में उनका विश्वास नहीं। नोटा जिसने दबाया, क्या वो कौन वोट करते हैं? अब वो तो दब जाता है, उससे थोड़ी ना उससे कोई मतलब नहीं है। आज एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है और पासवान जी के 6 सीट मिला है, उनको 9 सीट मिले, उससे हमको मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि पासवान जी को लोग शेड्यूल कास्ट का नेता मानते हैं, लेकिन बिहार के शेड्यूल कास्ट नहीं, हिंदुस्तान के शेड्यूल कास्ट उसी दिन उनको मान लिया कि शेड्यूल कास्ट के नेता नहीं है, जब 2 अप्रैल को समस्त हिंदुस्तान के दलित जब रोड पर था तो उस आंदोलन को उन्होंने कहा कि लुचे लफंगे का ये आंदोलन है, उसी दिन वो शेड्यूल कास्ट के कोटी से एक तरह से हट गए हैं। उनको 9 सीट मिले, 10 सीट मिले, उससे कोई फर्क नहीं है। महागठबंधन की सरकार आएगी और एनडीए की सरकार को हम लोग वहाँ से अपदस्थ करेंगे। महागठबंधन में अब है सत्ता पक्ष के लोग हैं, नीतिगत निर्णय भी है कि वो आगे आगे चलें, पीछे से हम चलेंगे। अब वो तय कर लिए हैं, आप देखिएगा 1-2 सप्ताह में हम भी तय कर लेंगे। तय कर लीजिएगा आप, लेकिन 4 सीट पे सहनी से तेजस्वी ने बात कर ली है और तेजस्वी महागठबंधन ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी बात है ना, हमारी अंदरूनी बात जब महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी उसमें ये बात आएगी। ये तो आप लोग सहनी ज्वाइन कर रहे हैं, कोई भी एक आदमी हमारे के यहाँ आएगा उसका हम स्वागत करते हैं, सीट का लफड़ा नहीं होगा, कोई लफड़ा नहीं होगा महागठबंधन में। अगर इतने लोग के साथ जा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं समझौता तो सब लोगों को करना होगा सीटों को लेकर, तो आप तो ना कहेंगे, वो नीतिगत निर्णय ना होगा और मीटिंग में ना करेंगे, आपके सामने तो नहीं करेंगे।